देख रहे हैं मीडिया श्रावस्ती न्यूज। इस वक्त हम आपको श्रावस्ती से अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं। आपको बता दें कि भिनगा कस्बे में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। दरअसल भिनगा कस्बे से सटे भिनगी चौराहा पर अंसारी मोहल्ला निवासी 28 वर्षीय युवक सिराज अहमद पान की दुकान करता है, जहां बीती रात करीब 7:30 बजे फिल्म स्टाइल की तरह एक बाइक पर सवार दो युवक सिराज की दुकान पर पहुंचते हैं और उससे पान लगाने के लिए कहते हैं। सिराज जैसे ही पान लगाने के लिए पीछे मुड़ता है, वैसे ही बाइक सवार उसे गोली मारकर मौके से फरार हो जाते हैं। बंदूक चलने की आवाज़ सुनकर आसपास मौजूद लोग सिराज के पान की दुकान की तरफ दौड़े, जहां वह लहूलुहान हालत में पड़ा था। उसे उठाकर संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद बहराइच के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके की जांच करने पहुंचे सीओ हौसला प्रसाद ने बताया कि हमलावरों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। दोनों युवक चेहरे पर मास्क लगाए थे। फिलहाल पुलिस को अलर्ट कर दिया गया, जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा। कस्बा भिनगा निवासी मोहम्मद सिराज, जिनकी उम्र करीब 22 वर्ष है, इनकी पान की दुकान खलवा बाजार मोहल्ले में है, जहाँ पे दो लड़के मोटरसाइकिल से आए जो मास्क लगाए हुए थे। उनके द्वारा इनसे पान लगाने के लिए कहा गया और उसी बीच में उन्होंने फायर कर दिया, जिससे इनके दाहिने हाथ में चोट लगी। इनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। डॉक्टर के द्वारा उपचार चल रहा है और अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।